हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ पनीर टिक्का की रेसिपी। पनीर टिक्का हम सभी को बहुत पसंद है और जब हम इसे घर पे बनाते हैं बिल्कुल हाइजीन के साथ और फ्रेश फ्लेवर्स के साथ तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, ये पनीर अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है और बाहर से जो इसका स्मोकी कलर आया है वो इसको और भी टेम्पटिंग बना रहा है और इसके फ्लेवर्स तो आप कम से कम 2 दिन तक नहीं भूल पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पनीर टिक्का की रेसिपी। सबसे पहले पनीर टिक्का के लिए मुझे हंकड़ चाहिए। इस दही को मैंने 1 से 2 घंटे के लिए स्ट्रेनर में एक मलमल के कपड़े में रख दिया था और मेरी ये हंकड़ रेडी हो गई है। आप चाहें तो गाढ़ी दही भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और अब मैंने ये बेसन लिया है, इसे मैंने पैन में ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसे मैं 2 चम्मच ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह भुने हुए चने का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और ये तीखी नहीं होती है। इसे मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है। कसूरी मेथी को मैं क्रश करके डालूँगी और ये ड्राई पुदीने की पत्तियाँ भी मैं डालूँगी। इससे बहुत ही फ्रेश फ्लेवर आएगा। 1/2 टीस्पून मैंने काला नमक ऐड किया है और अब मैं यहाँ पर जायफल घिस के डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब मैं इसमें 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड किया है मैंने और अब मैं यहाँ 1/2 लेमन इसमें डाल रही हूँ। अगर आपकी दही खट्टी है तो आप नींबू स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और अब मैं इन सभी मसालों को इस दही के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी और हमारा मैरिनेशन रेडी हो जाएगा। और अब मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, इसे मैं गरम करके मैरिनेशन में ऐड करूँगी। इससे पनीर टिक्का का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है और उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। इसे मैं अच्छे से मैरिनेशन के साथ मिक्स कर दूँगी। आप इसी वक्त यहाँ पर मैरिनेशन की सीजनिंग चेक कर लें। अगर आपको सॉल्ट ऐड करना है या आपको और स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। पहले मैं इस मैरिनेशन में अनियन और कैप्सिकम को कोट करूंगी और उसके बाद इसमें पनीर के क्यूब्स ऐड करूंगी। और इसके बाद मैं पनीर के क्यूब्स भी ऐड कर दूंगी। और अब बहुत ही हल्के हाथों से मैं इस पनीर को भी मैरिनेशन में अच्छे से कोट करूंगी। बहुत ही लाइट हैंडेडली मैं पनीर को करूंगी क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है और ये अच्छे से मैरिनेशन इस पर कोट हो गया है। इसे मैं कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स, हमने अपने पनीर टिक्का में सभी फ्लेवर्स ऐड कर दिए हैं बट क्योंकि जनरली हमारे पास घर में तंदूर नहीं होता है तो इसलिए आज मैं इसमें कोल्ड स्मोकिंग मेथड यूज़ करूंगी। ये हमारे पनीर टिक्का को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा और इसे एक बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी फ्लेवर देगा। इसके लिए मुझे सिर्फ एक छोटा सा कोयले का पीस चाहिए, उसे मैं अच्छे से गैस की फ्लेम पर गरम करूंगी और उसके बाद मैं एक छोटी सी स्टील की कटोरी को पनीर टिक्का के मैरिनेशन पर रखूंगी। इस कोयले के पीस पर मैं देसी घी ऐड करूंगी। यहाँ पर मैं एक किसी भी लिड को हैंडी रखूंगी। जैसे ही मैं घी इसके ऊपर डालूंगी स्मोक बाहर निकलेगा और मैं लिड से इसे कवर कर दूंगी। इसे 10 टू 15 मिनट्स तक मैं इसी तरह से रहने दूंगी या जब तक स्मोक बाहर आ रहा है तब तक आप इसे इसी तरह से रहने दें। इससे क्या होगा, हमारे मैरिनेशन में सारे तंदूरी फ्लेवर्स ऐड हो जाएंगे और ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल पनीर टिक्का बनेगा।
घर पर जब हम पनीर टिक्का बनाते हैं तो जनरली हम तवा पर बनाते हैं, या स्क्यूअर्स अगर हमारे पास हों तो हम उस पर लगा कर बनाते हैं। बट आज मैं बनाने वाली हूँ ये पापड़ की जाली पर। ये जनरली हम सभी के घरों में होती है। तो इसमें सबसे पहले मैं बटर से ग्रीस कर रही हूँ इसको, ताकि हमारे पनीर टिक्का के पीसेस इस पर चिपके नहीं। पनीर टिक्का को मैं जाली पर कुछ इस तरह से प्लेस कर दूंगी और अब ये सेकने के लिए रेडी हैं। गैस को मैंने अपने एल्युमिनियम फॉइल लगाकर प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा मैसी हो सकता है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पर सेट कर दिया है और अब मैं इस पनीर टिक्का को सेक लूँगी। इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि वेजिटेबल्स की क्रंचीनेस को हमें बरकरार रखना है और पनीर को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो काफ़ी वो च्यूई हो जाएगा। इसे हमें बस इतना ही पकाना है कि जो मैरिनेशन हमने इस पर कोट किया है वो अच्छे से पक जाए और इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। एक तरफ से जब ये पक जाएंगे तब मैं इस पर दूसरी तरफ बटर लगा दूंगी और इसके बाद इन्हें टर्न कर दूंगी। ये देखिए आप, पनीर के पीसेस एक तरफ से पक गए हैं और इस पर बहुत ही सुंदर सा कलर भी आ गया है। और अब मैं इसे फटाफट से 2 मिनट तक दूसरी तरफ से भी सेक लूँगी। इसे बनने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा मैसी लग रहा है तो आप तवे पर भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, ये उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए हमारा पनीर टिक्का बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। इस पर स्प्रिंकल कीजिए थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा लेमन जूस और गर्मा गर्म पनीर टिक्का सर्व कीजिए। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय बाय।